ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए. इट इज नॉट टेकन ऑफ बिकॉज द रॉन्ग पॉलिसी. हियर इज ए वन पार्टी विच इज ओनली टेकर बट नॉट टेकिंग एनीबडी अलोंग. कांग्रेस एक्सेप्ट वन स्टेट मे बी द बिहार हैज नथिंग टू गिव. ये 26 पार्टियों की यात्रा होनी चाहिए तो ऐसा नहीं होता. तो ये कहना और मतलब दिल में कहना और करना अलग है. तो मेरा मैं मन कर रहा था, मेरा तजुर्बा जो 45 साल का दिल्ली में है कि ये तभी चले. मैंने ये फार्मूला कर्नाटक, केरला और आंध्रा में चलाया था जनशक्ति. ये डेढ़ साल मैंने और खुद मैंने लीड किया. केरला मैंने तो ऑल अलाइज के साथ किया, लेकिन आंध्रा कर्नाटक में अलाइज नहीं थे, लेकिन लीडर जितने थे आइडेंटिफाई किए मैंने कर्नाटक में 45 लीडर. तो 45 लीडर को मैंने एक बस की 52 सीटर साल भर के लिए प्रोग्राम बनाया बैठ के कि एक विधानसभा में 5 पब्लिक मीटिंग कर. पहला फेज 3 महीने का, फिर 3 महीने, 3 महीने. एक स्टेज पे 45 लोग बैठते थे, सिर्फ इतना बड़ा होता था. लेकिन एक सभा में 5 आदमी से ज्यादा नहीं बोलते थे. लेकिन 3 मिनट बोलना, घंटी भी रखता था मैं जेब में, घंटी बजा 5 मिनट और शाम तक 45 के 45, 6 पब्लिक मीटिंग. और दिल्ली में वाजपेयी जी की सरकार, वहां जेडी की सरकार. पार्लियामेंट में भी हमने स्वीप किया विधानसभा. फिर उसके बाद मैंने केरला में किया मुस्लिम लीग, सीपीएम, ये दूसरी छोटी कुछ पार्टियां इकट्ठे किया. वहां 100 साल का रिकॉर्ड है, 75 साल का रिकॉर्ड है, वो अभी बीट नहीं कोई रिकॉर्ड कोई पा. फिर मैंने 5 साल बाद आंध्रा का रिकॉर्ड किया. एक तो 1500 मीटिंग, उसमें कोई छोटे अभी ये छूट गए, वो छूट गए, ये छूट, किसी को नहीं था. इस मीटिंग में सुबह की मीटिंग 5 बोले, फिर दूसरे 5 बोले, कहीं 7 बोले, शाम तक 45 आदमी. और प्रेस नोट निकलता था, आज ये मीटिंगें हुई और इनमें ये लोगों ने 45 लोगों ने तकरीर, सब खुश. तो यहाँ आप बनाते हो 26 की लिस्ट, लेकिन चलेंगे अकला, तुमको साथ में लेंगे, तुमको दूसरे स्टेटों की रोशनी नहीं दिखाएंगे. वहां हमारी दादागिरी चल खत्म कहा, वो अपने अपने स्टेटों में तो दादा है ही भाई. ममता तो अपनी स्टेट में है ही दादा, उसको आप भाईजी वहां उसको उसके साथ चलने में, उसके साथ मीटिंग करने में क्या, उसको यूपी में ले जाओ. यूपी में तो अखिलेश अपने है ही दादा नंबर 1, मतलब अपोजिशन का. उसको कहीं नहीं ले जाओगे तो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको तो आपकी जरूरत ही नहीं है यूपी में. मैं किसी व्यक्ति पर टपड़ी नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत बताता हूं कि मेरा तजुर्बा जो मैंने किया है और जो 1000% कामयाब रहा है, और आज की लीडरों का तजुर्बा है जो टेक ऑफ होने से पहले गिर रहा है. बस इस पर अब इस पे इतना ही. अब आप उनको दूसरों के पूछ रहे हैं, आपका हो गया बहुत. ऑफ कोर्स अलायंस इज ए मैरिज ऑफ कंपल्शन, ऑलवेज ऑलवेज. नो, नॉट अपॉर्चुनिटी, दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड कंपल्शन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इन सम प्लेसेस इट इज अपॉर्चुनिटीज़म, बट इन दिस केस इट वॉज मजबूरी, कंपल्शन, बिकॉज नो बडी, एवरीबडी हैज, द कांग्रेस हैज ट्राइज ट्वाइस एंड कांग्रेस कुड नॉट मस्टर द सपोर्ट टू मेक द लीडर अपोजिशन. नाउ थर्ड टाइम द थिंग्स आर नॉट बेटर, इफ नॉट वर्स. सो दिस वॉज द ओनली ऑल्टरनेट फॉर कांग्रेस पार्टी टू गो फॉर अलायंस विद डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज. But at the hustings, it is not taken off because the wrong policy. Because other political parties should have been taken on board to travel together across the country.
that would have created a message. If they every is a solo, what we call venture, then you will not lead anywhere. So Congress leaders moving in the streets of Bengal, what will you get? Because earlier with CPM, seven parties together got zero seat out of 284 something. Now alone going, what will you get? Minus zero. So the same thing is in different parts of the state. The Congress except one state, maybe the Bihar, has nothing to give to their Tamil Nadu, nothing to give. Andhra, zero thing to give. Then Bihar, yes. UP, nothing to give. Bengal, nothing to give. Northeast, nothing to give. Odisha, nothing to give. So, all those givers should have been together and they would have been all givers. So, here is a one party which is only taker, but not taking anybody along.